हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैड कैम। ये हमारा कैड कैम का 7th नंबर की वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग को। सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का सिलेबस मेंशन है, आपको ये प्रिज्यूम करके चलना है कि सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, अगर पर्टिकुलर वो सिलेबस वहां पे कवर करता है तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन दो जो आपका गेट का एग्जाम होता है वहां पे भी काफी चांसेज होते हैं कि सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ईएससी के एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजिली आप कर पाओगे, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और नंबर फ्री के हैं एक तरह से, आप समझ लो। कुछ कोड्स आपको याद रखने हैं जिन कोड का फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो मैं आपको बता भी दूंगा और फ्री के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज हम पार्ट प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। बट अगर आपकी इच्छा होगी तो इसके बाद भी हम एक आध दो लेक्चर प्रैक्टिस के लिए ला देंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है, किसी भी बड़े अगर हम डिजाइन है, ज्योमेट्री, कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। आज केवल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @ManuAcademy। आप मनु अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लो, पार्ट प्रोग्रामिंग होता क्या एग्जैक्टली। तो अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ कमांड्स हो और जिन कमांड को हमारा जो टूल है सीएनसी का वो फॉलो करता हो, तो वही क्या होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग होती है उस टूल की। तो हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जी कोड, एम कोड। अब ये कोड हम देते हैं तो हमारा टूल क्या करता है, इस कोड का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ऑलरेडी ये जो कैरेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू ऑलरेडी हम प्रोग्राम्ड किए हुए होते हैं, तो ऑलरेडी मशीन जो हमारी होती है इनकी वैल्यू उसमें फिक्स होती है। वो समझती है जी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। जो भी कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं सबकी वैल्यू ऑलरेडी हम मशीन में फीड किए होते हैं, मतलब प्रोग्राम किए होते हैं। जैसे आप जनरल प्रोग्रामिंग कहते हो, वो प्योर प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हम लैंग्वेज के यूज करते हैं, जैसे सी, जावा, इन सब में हम क्या करते हैं, हमारे मशीन की प्रोग्रामिंग करते हैं। वहां पे हम ऑलरेडी जो कोड्स डिफाइन किए रहते हैं उस कोड का यूज करके हम दोबारा हमारा जो टूल है उसके पाथ को डिफाइन करते हैं हमारे ज्योमेट्री के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। तो वेरी सिंपल, अगर आपको कहीं पे प्रोग्राम बनाना है, किसी भी पार्ट प्रोग्राम को आपको डिजाइन करना है, तो आपको ऑब्वियसली ज्योमेट्री का नॉलेज तो होना चाहिए। ज्योमेट्री रहेगी तभी तो आप बताओगे कि आपका जो आपका पाथ है वो क्या होगा, आपका टूल कौन सा पाथ फॉलो करेगा। नेक्स्ट है आपका जो आपका कटिंग टूल है उसके मोशन से रिलेटेड, डेफिनेटली मोशन ज्योमेट्री के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा, कैसी ज्योमेट्री है, टूल कैसा मूव करेगा। जो हमारी कटिंग स्पीड होती है वो क्या रखना चाहते हो आप, फीड रेट क्या रखना चाहते हो आप, और जैसे कि कुछ एक्सिलरी फंक्शंस हो गए, कूलेंट ऑफ ऑन का जो स्पेंडल है उसको ऑफ ऑन रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आगे हम देखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके जो सीएनसी प्रोग्रामिंग है उसका। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिकली दिखती कैसी है अगर हम उसको देखना चाहें, तो सबसे पहले अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है कैरेक्टर, फिर कैरेक्टर के बाद होता है वर्ड्स, वर्ड्स के बाद बनता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद बनता है हमारा प्रोग्राम। तो ढेर सारे ब्लॉक को हम कलेक्ट करके हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। हम वन वन को यहाँ पे देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आता है कैरेक्टर, तो सबसे छोटी यूनिट होती है कैरेक्टर। जैसे आप लिखते हो एन, लिखते हो आप जी, लिखते हो एम, लिखते हो टी, एफ, इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड में हम क्या यूज कर लेते हैं, कैरेक्टर के साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल लेटर्स यूज कर लेते हैं। जैसे आप यूज करते हो G90, तो इस कोड का कुछ मतलब होता है, ये एक कोड बन जाता है, इसकी कुछ मीनिंग होती है। आगे हम कोड्स देखेंगे बट यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल है, तो हमारा ये बन जाता है वर्ड्स। और ढेर सारे इस टाइप के कोड्स या वर्ड्स कह लो आप, वो मिल जाते हैं तो वो एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। और वो ब्लॉक, ढेर सारे ब्लॉक मिल जाते हैं तो प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें, सपोज करिए हमने लिख दिया N10। अब ये N10 क्या है, एक सीरियल नंबर है। बहुत बार आपने देखा होगा N10 कहीं पे लिखा रहता है, कोई N5 लिखता है, कोई 1 2 3 लिखता है। तो आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि कोई N10 N5, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ लो कि जो ये है ये केवल सीक्वेंस नंबर है। तो बहुत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है 1 लिखो, 2 लिखो, 0.5 लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, दैट इज नॉट अ बिग डील। आप किसी से भी
कुछ भी यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ सीरियल नंबर। तो हमने क्या लिख दिया, सपोज N10 लिख दिया। अब सपोज हम ये दे देते हैं कि हमारी जो यूनिट होगी वो किस में मेजर की जाएगी, एमएम में मेजर की जाएगी, इंच में। तो ये थोड़ा अलग अलग कोड होता है फानुक और सीमेंस के लिए। तो सपोज यहाँ पे हम फानुक का यूज कर लेते हैं, तो G20 मैंने दे दिया, तो G20 मतलब एमएम में मेजर की जाएगी। अगर हम सपोज यहाँ पे कह देते हैं कि हमारा जो यूनिट या कोऑर्डिनेट जो हम मेजर करेंगे वो एब्सोल्यूट होगा या इंक्रीमेंटल होगा, तो सपोज हमने एब्सोल्यूट ले लिया, तो G90। इस तरीके से आप कोड लिखते जाते हो। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया इंड ऑफ ब्लॉक। इंड ऑफ ब्लॉक मतलब कि यहाँ पे ये ब्लॉक खत्म हो गया। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा क्या है, एक ब्लॉक है। यहाँ पे ये सारे क्या है, कैरेक्टर हैं। इस पूरे को हम क्या कहें, वर्ड कहें। और ये ब्लॉक, ऐसे ढेर सारे ब्लॉक जब हमारे ज्योमेट्री के हिसाब से हम लिख देते हैं तो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। तो कोई एक ब्लॉक भी प्रोग्राम कहला सकता है। हो सकता है आपकी टास्क छोटी हो, आपके कोल यही करना हो, कोई छोटा चीज परफॉर्म करना जो एक ब्लॉक में कंप्लीट हो जाता, तो एक ब्लॉक भी आपका प्रोग्राम कहलाएगा। बट बेसिकली अगर आपकी ज्योमेट्री है, आपके पास कोई ज्योमेट्री है, तो ढेर सारे ऐसे ब्लॉक्स आपको लिखने पड़ते हैं, आगे हम लिख के देखेंगे भी। तो ये होता है हमारा बेसिकली फॉर्मेट हमारे एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का, या फिर कह लो आप सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमनली कोड्स हैं जिनका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इन कोड्स को आपको समझना है, और ये कोड मोस्ट प्रोबेबली सारे सिस्टम में सेम होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंस होता है तो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली हमको वही याद रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं, जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे एन कोड है, तो एन क्या होता है, एन हम यूज करते हैं बेसिकली सीरियल नंबर या फिर हमारे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। ब्लॉक नंबर, ये ब्लॉक नंबर कौन सा है, सपोज N10 लिख दिया तो 10 नंबर का ब्लॉक है, N20 लग दिया तो ये 20 नंबर का ब्लॉक है, N30 लिख दिया तो N30 नंबर का ब्लॉक है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस सीक्वेंस में हमने अपने प्रोग्राम को लिखा है। आपको भी अंडरस्टैंडिंग रहती है, मशीन को भी अंडरस्टैंडिंग रहती है। उसी तरीके से जी कोड है, जी कोड भी ऑलरेडी हमने मशीन में डिफाइन किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है कि जी अगर हम डालेंगे तो उसका मतलब क्या है। तो जो चीज प्रोग्राम किया हुआ है मशीन आपको वही समझेगी। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे अल्फाबेट लिख रहा है तो कुछ भी अल्फाबेट डाल दो, ABCDEFGH मशीन समझ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन में जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो हमने प्री डिफाइंड किए हुए हैं, उन्हीं को मशीन हमारी समझ पाएगी, बाकी कुछ भी डालोगे तो नहीं समझ पाएगी। तो अब जी कोड हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, ये होता है प्रेपरेटरी कोड, या फिर आप कह सकते हो ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक आपको ज्यादा समझ में आएगा। ज्योमेट्रिक कोड मतलब हमको कोई ज्योमेट्री फॉलो करनी है तो हम जी में क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं। तो कोई पर्टिकुलर हमारी डिजाइन है, सपोज हमको ए लीनियरली आगे बढ़ना है तो ये हमारा क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन है। कोई सर्कुलर है तो हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन है, तो वहाँ पे हम जी कोड्स का यूज करते हैं। जी कोड्स यहाँ पे बेसिकली डिफाइन किया होता है लीनियर के लिए क्या होगा, सर्कुलर के लिए क्या होगा, ये सारे आगे हम देखेंगे। अब एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। आर अगर कहीं पे लिखा गया है तो आर को हम हमारे मशीन को समझा के रखे हैं कि अगर आर कहीं पे लिखा जाए तो आपको रेडियस समझना है, ठीक है। वैसे ही एच, एच को भी हमने मशीन को कोड किया हुआ है कि अगर कहीं पे एच आता है इसका मतलब होता है टूल लेंथ ऑफसेट, ठीक है, टूल लेंथ ऑफसेट। उसी तरीके से डायमीटर, डी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो डायमीटर ऑफसेट होता है, डायमीटर ऑफसेट, या फिर एच ऑफसेट मतलब कंपनसेशन है ये एक तरह से। डी मतलब डायमीटर कंपनसेशन, एच मतलब लेंथ कंपनसेशन। एक कंपनसेशन मतलब कहीं पे एडिशनल कटिंग हो रही है तो आपको पहले ध्यान रखना है कि हमको उसको कंपनसेट करना है। जैसे एक एग्जांपल ने, मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट में आपको बीच में एक लाइन बनानी है, ठीक है, ऐसे लाइन बनानी है, सपोज एक मिलिंग ऑपरेशन करना आपको। अब आपका जो टूल होगा, यहाँ पे अगर आप टूल दोगे तो इस तरीके से कुछ आएगा बीच में, तो ये लाइन कहाँ तक बनाएगा, यहाँ तक बनाएगा, यहाँ तक बनाएगा ना, इस तरीके से लाइन बनाएगा। बट आपको लाइन कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, पर्टिकुलरली यहाँ पे चाहिए आपको लाइन, इधर नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, टूल के डायमीटर को कंपनसेट कर दोगे, किधर को कंपनसेट करोगे, ये इसका भी कोड होता है। राइट को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, लेफ्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, कैसे डिसाइड करते हैं लेफ्ट राइट। आप इस डायरेक्शन में अगर आपका माउथ करके खड़ा हो तो आपके हाथ जो हैंड होता है उसके लेफ्ट राइट के हिसाब से आप डिसाइड कर पाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट है तो लेफ्ट हो गया, राइट है तो राइट हो गया। इसका एक थंब रूल भी होता है, बट उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, जब हम प्रोग्रामिंग डिटेल में करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि इस टूल को हम कंपनसेट करते हैं ताकि अगर डी का हमने कंपनसेशन कर दिया तो हम ये चाहते हैं कि हमारा टूल यहाँ से ना स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से कटिंग करेगा तो हमारी ये लाइन बन जाएगी,
भले इधर एक्स्ट्रा कटिंग कर देगा, तो हमको एक्स्ट्रा कटिंग से मतलब नहीं है। हमको तो बस ये चाहिए कि हमारी लाइन जहाँ पे है, हमारी जो ज्योमेट्री है वो प्रॉपर कट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कंपनसेशन देते हैं, कोई चीज पहले से है जिसको हमको हटाना है तो हम क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। तो ये कंपनसेशन का कोड हो गया। इसी तरीके से हमारा एफ कोड होता है फीड रेट, आप कितना दे रहे हो, ठीक है, तो फीड रेट देने के लिए एफ कोड होता है। एस क्या होता है, स्पेंडल स्पीड डिसाइड, स्पेंडल स्पीड के लिए होता है एस कोड। इसी तरीके से टी कोड होता है, टूल सिलेक्शन के लिए होता है टी कोड। एम कोड क्या होता है, मिसलेनियस कोड होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि आपके स्पेंडल को ऑन अप करना है, कूलेंट को आप ऑन अप करना है, आपके टूल को चेंज करना है। तो जो इस टाइप के, एक तरह से हम ये कह लें मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड जो टूल होते हैं वो एम में आते हैं, ज्योमेट्री से जो रिलेटेड टूल होते हैं वो जी में जाते हैं। जी मतलब ज्योमेट्री, एम मतलब मशीन, इस तरीके से आप याद कर लो। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड टूल कहाँ पे होंगे, जी में होंगे, और मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड टूल कहाँ पे होंगे, एम में होंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री मतलब ये कह रहा हूँ कि आपको होगा कि वो भी तो मशीन का फंक्शन ये मशीन ही फॉलो कर रही है उसको, नहीं, मशीन हमारे ज्योमेट्री को फॉलो कर रही है तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल टूल्स, ठीक है। यहाँ पे मशीन मतलब मशीन के ऑपरेशन, मशीन चलेगी रुकेगी, कूलेंट ऑफ होगा, ऑन होगा, टूल चेंज होगा नहीं होगा, मशीन क्या कर रही है उसके ऑपरेशन को हम एम कोड से डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से आई जे के कोड्स हैं, इनकी भी कुछ मीनिंग हमने डिफाइन कर रखा है, तो वही मीनिंग डिफाइन कर रखा है जो मैथ में अब तक आप पढ़ते आए हो, चेंज नहीं किए हैं। आप चाहो तो चेंज कर दो, आपकी मर्जी है, बट हम क्या करते हैं फिजिकल यूज के लिए हमको ये भी देखना होता है कि जो चीजें इंस्टेंटलाइज्ड हैं, ऑलरेडी जो चीजें स्टेब्लिश हैं, जिनकी मीनिंग कुछ बनाया गया है, उसी को हम फॉलो करें। किसी क्रिटिकल केस में ही हम चेंज करते हैं जब वो फॉलो नहीं हो पाता ओल्ड वाला। तो यहाँ पे एज यूजुअल आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, जे यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में, के यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन में आप कह सकते हो, और कहीं पे हमको आर की रेडियस देनी है तो या तो हम आई जे के में देंगे या फिर आर, जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है आर मतलब रेडियस डेजिग्नेशन, तो या तो आर देंगे हम या फिर आई जे के देंगे, दोनों में से एक देंगे। आप कहीं पे ऐसा कोड नहीं लिख देना कि आई जे के भी लिख दो आप और आर भी लिख दो। यहाँ पे आई जे के से कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। आगे जब मैं इंटरपोलेशन आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा कि कहाँ पे आई जे आएगा, कहाँ पे के आएगा, कहाँ पे जे के आएगा, कहाँ पे आई के आएगा, इस टाइप से अलग अलग प्लेन में। आप जैसे एक्स वाई प्लेन में आप कर रहे हो तो आई जे आएगा, उसी तरीके से आप एक्स जेड प्लेन में कर रहे हो तो वहां पे एक्स के आई के आएगा, तो इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। बट उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे बस जो ज्यादा फ्रिक्वेंट प्लेन यूज करते हो आप क्या करते हो, एक्स वाई करते हो, तो आपको आई जे में ही वैल्यू बेसिकली पूछता है। आगे आप एग्जाम्पल्स भी देखोगे जो गेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो बेसिकली आपके इसी प्लेन से रिलेटेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने अब तक देखा है, देखो एक ब्लॉक लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है, एक ब्लॉक है हमारा। इस ब्लॉक में यहाँ पे कुछ ऑलरेडी हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं, तो ये कोड्स हैं कुछ, देखिए ये जी कोड यूज किया गया है, ठीक है, इसको G02 भी यूज करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इंटरपोलेशन का कोड है, बट यहाँ पे इन जनरल कहा गया है कि ये इस तरह का प्रिपरेटरी फंक्शन है, मतलब ज्योमेट्री को डिफाइन करता है कि आपको कौन सी ज्योमेट्री फॉलो करनी है। ये एक हमारा सिक्वेंस नंबर है, यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किए हुए है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से यहाँ पे आपने सर्कल को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे एप्स मतलब फीड रेट आपने दिया हुआ है, एस मतलब स्पेंडल स्पीड आपने डिफाइन किया हुआ है, टूल कौन सा लेना वो डिफाइन किया हुआ है, और एम से कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कूलेंट को ऑन करना है, M06 कूलेंट को ऑफ करना है, स्पेंडल रोटेट करना है, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो एम से आप दिखाते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं, तो ये जो स्टार्टिंग के आपके कोड्स हैं वो तो आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ मॉडल कोड होते हैं, कुछ नॉन मॉडल कोड होते हैं। मॉडल कोड वो कोड होते हैं जिनको हमारी मशीन याद रखती है, नॉन मॉडल कोड वो कोड होते हैं जिनको मशीन भूल जाती है और भूल भी जाना चाहिए। मॉडल कोड ऐसे हैं जिनको मशीन याद रखेगी, सपोज ड्यूल वाला कोड है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, डिटेल में क्या थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। जैसे ड्यूल कोड है उसको मशीन याद करके क्या करेगी, अगर याद कर लेगी तो मशीन चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉज करने के लिए है। तो इस टाइप के कोड को याद नहीं रखते हैं, ये हम ही डिसाइड करते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस कि हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड आपका ड्यूल होगा, कौन सा कोड आपका मॉडल कोड होगा, सॉरी कौन सा मॉडल कोड होगा, कौन सा नॉन मॉडल कोड होगा, बट वो ऑलरेडी डिसाइड करके आया हुआ है आपके मशीन में, ऑलरेडी उसका फंक्शन प्रोग्राम्ड किया हुआ है, तो आपके हैंड में नहीं होता। मतलब जो ये कोड लिखता है, जो पार्ट प्रोग्रामिंग लिखता है, उसके हैंड में डिसाइड करना नहीं होता है मॉडल कोड या नॉन मॉडल कोड।
मॉडल कोड या फिर नॉन मॉडल कोड जो हमारे मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं वो डिसाइड करते हैं, बट डिसाइड वही करते हैं, वो चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट चेंज क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं चेंज करते कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते आए हैं, तो क्यों फालतू में इसको चेंज करके अपना हेडेक बढ़ाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये फानुक का कोड है G20 G21 की, आपको जो डायमेंशन देनी है वो इंचेज में देनी है या मिलीमीटर में देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 70 71 हो जाता है आप अगर सीमेंस की बात करो। अब ये सीमेंस फानुक क्या है, जैसे एक चीज आप समझ लो यहाँ पे, कुछ जैसे कि मान लो ज्योति सीएनसी एक कंपनी है जो कि मान लो सीएनसी मशीन बनाती है, ठीक है, सीएनसी मशीन ये बनाती है, तो जो ये एम वाले कुछ कोड होते हैं, कुछ कस्टम्स कोड होते हैं जो सीएनसी मशीन, जो सीएनसी मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है। अब ये सीएनसी मशीन तो बनाती है, बट इसके पास सपोज प्रोग्रामर नहीं है, हो सकता है ये रखता भी हो बट नहीं है अभी, ठीक है। तो ये जो कोड्स, ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे या वर्ड्स जो मेंशन है, जो कोड सपोज जी कोड एम कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इनको कोड करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सी प्रोग्राम करना पड़ेगा, जावा में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, किसी लैंग्वेज में इनकी इनका जो एड्रेस है वो डिफाइन करना पड़ेगा हमको, तो वो डिफाइन करने वाला काम करते हैं फानुक सीमेंसिस टाइप की कंपनी करते हैं। तो सीएनसी बनाएगा, जो मशीन बनाएगा वो ज्योति मशीन पे है, बट उसको कोड का एड्रेस कौन प्रोवाइड कराएगा, फानुक प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजों को, इन सबको डिसाइड कौन करेगा, फानुक या फिर सीमेंस करेगी। जो एम कोड कुछ होते हैं उनको हमारी मशीन वाले डिफाइन कर देते हैं, बट वो भी चाहते हैं कि मोस्ट प्रोबली वो भी जैसे स्टैंडर्ड है वही रहे, उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं। जैसे M03 है, ठीक है, तो कोई भी सीएनसी मैन्युफैक्चरर हो, इवन ज्योति राकेश रमेश कोई भी सीएनसी मैन्युफैक्चरर हो, सब लोग यही ट्राई करते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो फॉलो हो रहा है, जैसे M03 है तो स्पिंडल ऑन का है ये, तो स्पिंडल ऑन का रहे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज रहे, ऐसा नहीं कि M03 अगर किसी अलग अलग कंपनी में आप चालू करोगे तो स्पिंडल हमारे अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसा नहीं है। वो ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड बनाने का, बट वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट करते नहीं है, ठीक है। इंडा प्रोग्राम का ऐसे ही होता है, जो हमारा काउंटर क्लॉकवाइज होता है वो भी होता है, स्पिंडल स्टॉप करने का M05 होता है, तो ये कूलेंट ऑफ ऑन का करने का। तो यहाँ से जो कोड आपके दिख रहे होंगे प्रोग्राम इंड M20 से लेके यहाँ तक 9 तक, ये सारे कोड 30 तक, आप ये सारे कोड आपको याद रखने हैं। ये कोड होते हैं फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले, जैसे इंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे भी कर है, इंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये दो कमांड देता है, इंड ऑफ प्रोग्राम रीसेट टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये रीसेट हो जाता है, जैसे कि आप मोबाइल को रीसेट करते हो फैक्ट्री लेवल में चला जाता है, उसी तरीके से ये भी रीसेट हो जाता है हमारा टिल अपने रेफरेंस पॉइंट पे चला जाता है। तो इस तरीके से ये कोड्स हैं जो एम कोड हैं, जिसको बेसिकली आप यूज करते हो मशीन के ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे कुछ जी कोड हैं जिसको आप यूज करते हो ज्योमेट्री के लिए। सपोज आपके ज्योमेट्री में लीनियर इंटरपोलेशन करना है, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब सपोज कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, तो आप क्या यूज करोगे, लीनियर इंटरपोलेशन G01 और कोऑर्डिनेट दे दोगे भाई कि कहाँ तक तुमको जाना है, तो जहां तक कोऑर्डिनेट दोगे वो लीनियर इंटरपोलेशन करते हुए चला जाएगा। तो डेफिनेटली लीनियर इंटरपोलेशन होगा तो वहां पे फिट रेट भी देना पड़ेगा, किस रेट से वो रिमूव करेगा इसको, कितना डेप्थ ऑफ कट होगी, ये सारी चीजें हैं, आगे हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो कोड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपको यहाँ के कोड्स ध्यान रखने हैं, जैसे G90 है, 91 है, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कि आपकी जो डायमेंशंस है वो रेफरेंस से मेजर होगा या फिर इंक्रीमेंटल होगा। इंक्रीमेंटल मतलब जहाँ पे आपका टूल होता है वहाँ से आप मेजर करोगे आपकी जो कोऑर्डिनेट होगी, या फिर आप एक ओरिजिन डिफाइंड कर दोगे, सारी कोऑर्डिनेट आप ओरिजिन से मेजर करोगे, तो ये भी आपको ध्यान प्रोग्राम में लिखना होता है। आगे हम प्रोग्राम करेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से ये कोड यूज होते हैं। तो डायरेक्टली आपसे कोड भी पूछ लेता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर सम कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोड्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको कोड ध्यान रखने हैं, यहाँ पे जो कंपनसेशन के कोड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ये कंपनसेशन वाले जो कोड्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे जो कोड्स दिए हुए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से कुछ कोड्स आपको ध्यान रखने हैं। फीड रेट वाला भी ये ध्यान रखना है, 94 95, कि आप जो फीड रेट है, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज होते हैं, आप फीड रेट पर मिनट दोगे, पर रिवोल्यूशन दोगे, किस तरीके से आप फीड रूट दोगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। तो कुछ यहाँ पे जो जी कोड आई थिंक 15 to 20 डी कोड हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। और कुछ यहाँ पे 5 7 5 5 to 6 हमारे एम कोड हैं जो आपको याद रखने हैं, बस इतना ही याद रखो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब ये देख लेते हैं, ये कुछ फ्रिक्वेंटली टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली जब आप प्रोग्राम यूज करते हो, तो प्रोग्राम जब लिखते हो तो इनका यूज आता है। कैरेक्टर
कहीं कहीं पे डिफाइंड होता है ऑलरेडी, तो इस टाइप की चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। फिक्स जीरो क्या होता है, फ्लोटिंग जीरो, फ्लोटिंग मतलब मूव करने वाला, जो मूव करता हो, जो डिफाइंड नहीं हुई जगह, या फिर आप कह लो जो जिसको हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग जीरो। फिक्स जीरो ऑलरेडी हमारे मशीन का फिक्स जीरो होता है, जो डिफाइंड होता है पहले से ही, उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से मॉडल कोड, अगर हम नॉन मॉडल कोड की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा जिस कोड को मशीन याद कर ले और उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़े, मशीन उसको फॉलो करती रहे, उसे हम कहते हैं मॉडल कोड। और नॉन मॉडल कोड वो कोड होते हैं जिनको मशीन याद नहीं करे, भूल जाए। जैसे कि हमने बात किया G01, तो ये लीनियर इंटरपोलेशन का कोड है, तो इसको मशीन याद कर लेगी। किसी ब्लॉक में आपने G01 दिया है, आगे वाले ब्लॉक में आप G01 नहीं देते हो, तो भी मशीन इसको G01 को याद रखेगी और आगे वाले ब्लॉक में इसको फॉलो करेगी। अगर सपोज आपने ड्यूल का कोड दिया, पॉज, मशीन पॉज का, अगर मशीन पॉज वाला कोड मशीन याद कर ले, ठीक है, तो आगे बोलो ब्लॉक में भी पॉज वाला कोड फॉलो करती है, तो मूवी कब करेगी। तो कुछ इस टाइप के कोड हैं जो नॉन मॉडल हम उनको रखते हैं जिनको मशीन याद ना करे। जैसे कि G53 है, ये मशीन के पोजीशन की कमांड है, तो अगर इसको भी मशीन याद कर ले और कहीं पे प्रोग्रामिंग रन हो रही है और फिर से ये कोड रन कर जाए, तो क्या करेगी, मशीन अपने पोजीशन पे चली जाएगी। तो ये जो पोजीशन वाली कमांड है वो याद नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या करेगा, ट्रबल क्रिएट करेगा। बट कुछ इस टाइप के कमांड्स होते हैं, जैसे G01, G02, 03, इस टाइप के जो कमांड्स होते हैं जिनको याद करना, मतलब बार बार हमको ना देना पड़े, हमारा प्रोग्रामिंग आसान हो जाए, इसलिए हमने मॉडल और नॉन मॉडल कोड्स बनाए हैं, ताकि हमको हर ब्लॉक में इसकी वैल्यू ना लिखनी पड़े। एक बार लिख दिया, जब तक इसको हम टर्मिनेट ना करें तब तक मशीन इसको याद रखे और इसको आगे फंक्शन में यूज करती रहे। तो इसलिए मॉडल और नॉन मॉडल कोड का हम यूज करते हैं, बेसिकली हम बनाते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग की कुछ फॉर्मेट्स हैं, किस फॉर्मेट में आप प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट है, टाइप सीक्वेंस फॉर्मेट है, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट है। तो हम बेसिकली जो यूज करते हैं वो वर्ड एड्रेस यूज करते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी वर्ड एड्रेस पे यूज पूछा जाएगा। वर्ड एड्रेस मतलब हमारे पास वर्ड है और वर्ड का एड्रेस ऑलरेडी मशीन के पास फिक्स है। जैसे ही हमने वर्ड दिया, मशीन क्या करेगी, उस वर्ड की मीनिंग हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसे पिकअप कर लेगी और वो फंक्शन परफॉर्म कर देगी। फिक्स ब्लॉक और ये सिक्वेंशियल ब्लॉक, इन दोनों में प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट होती रहती हैं, यहाँ पे हर ब्लॉक में हमको चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। वो फिक्स है, जो चीज आप दोगे उसी ब्लॉक में परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में फिर से आपको आइडेंटिफाई करेंगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको हर वर्ड को टैब से सेपरेट करना पड़ता है, तो आपको एडिशनल चीजें लिखनी पड़ती है, एक तरह से आप कह लो लेबर वर्क ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए इन दोनों को हम क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। हम बस वर्ड फॉर्मेट का यूज करते हैं आगे के प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग को डिफाइन करने का टाइप्स, इसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आप इसको डिफाइन टाइप्स इसके डिफाइन कर पाते हैं, बट वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर है, कैसे फॉलो करोगे, तो देखो ये प्रोसीजर है, बट ये एक तरह से आप कह लो कि आप एक तरह से आप समझने की कोशिश करना, ये प्रोसीजर, बट इस पे आपको स्टिक नहीं होना है। सपोज किसी को वडोदरा से सूरत जाना है, तो उसके पास ऑप्शंस है ना, वो बस से जाए, किसी दूसरे रूट से जाए, मोटरसाइकिल से किसी तीसरे रूट से चला जाए, ठीक है, बट वो पहुंचना उसको यहीं पे है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया, तो आपको इस सीक्वेंस पे अटकना नहीं है, एक जनरल सीक्वेंस है कि ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो पहला है आपका स्टडी ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मशीन कोड एंड कंट्रोल सिस्टम। जो आपके कोड्स अवेलेबल हैं वो आप देखो, कुछ कोड्स होते हैं मशीन के लिए चेंज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो मोस्ट, तो ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड होते हैं वो सभी मशीन्स जो प्रोग्रामिंग वाले होते हैं वो फॉलो करते ही करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, नहीं फॉलो करे तो कोई मना नहीं करेगा उनको, बट डेफिनेटली वो फॉलो करते हैं। दूसरी चीज आपको क्या रखनी है, टूलिंग सिस्टम याद रखनी है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो स्पेसिफिकेशन है मशीन का, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस मशीन में ATC है कि नहीं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर सपोज उस मशीन में नहीं है और आप मशीन को कमांड दिए जा रहे हो कि भाई तुझे ऑटोमेटिक टूल चेंज कर लेना, मशीन कहाँ से करेगी, वो हार्डवेयर ही अवेलेबल नहीं है वहां पे। तो आप प्रोग्रामिंग करने जाओ तो आपकी थोड़ी सी मशीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कितने एक्सिस में मूव कर सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वहां पे, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है कि नहीं वहां पे, पैलेट चेंजर है कि नहीं, तभी तो आप उसके कमांड दोगे, ठीक है। बहुत सारे जगह कई कूलेंट सिस्टम होते हैं, बहुत सारे जगह नहीं होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब आप कोडिंग करते हो, ताकि आप उन कोड्स का यूज करो तो मशीन को समझ में आएगा। मशीन में उस वो हार्डवेयर ही नहीं है तो मशीन को कोड कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि जब वो हार्डवेयर नहीं है तो उस वर्ड का वहां पे
डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तो मशीन को आप दोगे तो मशीन को डिस्क्रिप्शन समझ भी नहीं आने वाला है। जैसे अगर उसमें ETC सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर नहीं है, और आप टूल कह रहे हो टूल ये नंबर यूज करो वो नंबर यूज करो, मशीन को क्या समझ में आएगा? मशीन को डिफाइंड नहीं किया गया है वो चीजें, क्योंकि वो हार्डवेयर ही नहीं है वहां पे। तो इस टाइप से टूल के जो सिस्टम्स होते हैं वो आपको देख लेने हैं, यहाँ पे सब चीजें मेंशन है, टूल के डाटा, टूल होल्डर, कटिंग कंडीशंस, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूल की स्ट्रेंथ कुछ और है, मटेरियल की स्ट्रेंथ कुछ और है, जो हमारी मशीन की स्ट्रेंथ कुछ और है। मशीन सपोज 5 सेंटीमीटर इतना उसकी हार्डनेस है हमारे मटेरियल की, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं कर सकती है, या इतना से ज्यादा इंटरपोलेशन नहीं कर सकती है। आप 10 सेंटीमीटर का दे दिए इंटरपोलेशन, तो क्या होगा? टूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, या मशीन नहीं चलेगी, उसके उसका जो मोटर होते हैं उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, बट डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आगे हम करेंगे। कटिंग कंडीशंस क्या क्या हैं आपकी, कटिंग कंडीशंस में जैसे उसकी एफिशिएंसी, कौन कौन से चीज उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या रेट है, क्या एक्यूरेसी है, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर लेते हो। अब जैसे आपको मान लीजिए स्टील की कहीं पे मशीनिंग करनी है, और कहीं पे आपको गोल्ड की मशीनिंग करनी है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना, गोल्ड कॉस्टली है, खराब नहीं होना चाहिए, स्टील खराब भी हुआ तो चलता है। तो इस टाइप की चीजें नॉर्मल, आपकी स्पिंडल स्पीड क्या देनी है, फीड रेट क्या देना है, डेप्थ ऑफ कट, विड्थ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितना होनी चाहिए, मशीन की कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से देना है। वेरी जनरल वे आपको याद ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे, तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्लॉक डिफाइन करते हैं। ब्लॉक मतलब हम सीक्वेंस नंबर देते हैं हमारे प्रोग्राम को, कि ये कौन से सीक्वेंस नंबर का प्रोग्राम है, हमें भी समझ में आए, मशीन को भी समझ में आए, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही है मशीन, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में आपको चेंज करना है तो आपको पता चलेगा, उसमें चेंज कर पाओगे, क्योंकि आप सिमुलेशन करते हो उसका, देख पाते हो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोऑर्डिनेट आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका कोऑर्डिनेट कैसा है, आप जो कोऑर्डिनेट दे रहे हो वो ओरिजिन से मेजर करेंगे, या फिर टूल जहाँ पे होगा वहीं उसको ओरिजिन मान लेगा, इंक्रीमेंटल होगा, एब्सोल्यूट होगा, उस टाइप से। आपकी जो कोऑर्डिनेट आप दोगे वो MM में मेजर किया जाएगा, या फिर उसको इंच में मेजर किया जाएगा। तो बेसिकली ये होते, ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका फानुक में, यहाँ पे सीमेंस का दिया हुआ है, फानुक का भी यूज कर सकते हो आप, कोडिंग अगर दिया गया G20, G21, तो ये होता है सेंटीमीटर में, सॉरी MM में होता है, ये इंचेज में होता है, तो ये भी MM में होता है, ये भी इंचेज में होता है, दोनों का काम सेम होता है, बट कोडिंग किसी किसी में डिफरेंट होती है, जी कोड भी मशीन में, बट बहुत ऐसे हैं 10% या भी आप कह लो 5% ही ऐसे कोड होते हैं जो अलग होते हैं, मोस्ट प्रॉबली सेम होते हैं। टूल स्पेसिफाई करना, आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हो, स्पिंडल की स्पीड कितना रखना चाहते हो, कितना रिवोल्यूशन, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, फीड रेट क्या देना चाहते हो आप, ये भी फीड रेट यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि आप फीड पर मिनट देना चाहते हो या फीड पर रिवोल्यूशन देना चाहते हो, तो ये आप डिफाइन कर पाओगे कितना फीड आपको देना है। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको कोड्स दिए गए हैं और उनका फॉर्मेट्स दिया गया है कि पर्टिकुलरली आपको ये कोड यूज करना है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज G00 है, इसका मतलब होता है रैपिड ट्रांसवर्स। अगर आपका टूल कहीं पे पड़ा हुआ है तो आप चाहते हो टूल जल्दी से मूव करके हमारे इस पोजीशन पे आ जाए, तो आप कोड दोगे G00। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको आगे कोड ही बताऊंगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्लॉक नंबर डिफाइन करोगे, सपोज N10 लिख दिया आपने, रैपिड ट्रांसफर दिए, कहाँ से कोड को कहाँ पे मंगाना है आपको, तो कोऑर्डिनेट दोगे, सपोज हमने X10 दे दिया, G5 दे, Y5 दे दिया, Z0 दे दिया, कुछ भी दे दें हम हमारे हिसाब से, तो आपका टूल क्या करेगा, इस कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा जल्दी से ट्रेवल करके, तेजी से ट्रेवल करके, रैपिड ट्रेवल्स करके यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, G01 है, लीनियर इंटरपोलेशन है। लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे भी ब्लॉक डिफाइन करना है। सपोज यहाँ पे हमने 10 लिखा है, अब हम आगे वाला फॉर्मेट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, कुछ भी लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला आपको दिस इज जस्ट अ सीरियल नंबर। अब देखो इंटरपोलेशन है, यहाँ पे इंटरपोलेशन हो रहा है मतलब कटिंग हो रही है, तो
एक चीज यहाँ पे ऐड हो गया कि आपको फीड रेट भी देना है ना कि किस रेट से कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कटिंग हो रही तो वहां पे कुछ फीड निकलेंगी, तो वो फीड रेट किस हिसाब से होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट देना है, सब कुछ कुछ भी क्वाड्रेंट आपने दे दिया कि चलो 10 से 15 तक जाना है, वाई में हमको वही रखना है, सपोज 10 तक ही रखना है, एक लाइन में जाना है, एक्स डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना है, यहाँ पे जेड में भी हम क्या करेंगे, चूंकि फीड रूट दोगे तो आपको रेफरेंस पॉइंट एक दिया रहेगा कि कहाँ से डेप्थ कटना है, आपको कितना करना है। तो सपोज हमने 2 सेंटीमीटर 2 mm कर दिया है कि 2 mm डेप्थ में चला जाए, और यहाँ पे फीड दे देंगे, सब कुछ कुछ भी फीड रेट आप ले लो, इस टाइप से होता है। इसी तरीके से हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कुछ आपको समझना है, ये होता है ड्वेल की कमांड, मतलब पॉज की कमांड, मशीन को अगर आप पॉज करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे हमको कुछ चीजें समझना है, एक मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे लाइन कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कमांड कैसे देंगे। सपोज करो ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से हम गए यहाँ पे, हमारा मन कर रहा है अब यहाँ से हम जाएं इस तरीके से कुछ, अब हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ इस तरीके से एक सर्कल में जाएं, फिर हमारा मन कर रहा है ऐसे जाएं, फिर हमारा मन किया कि अब कुछ इस तरीके से जाएं, फिर हम यहाँ आ गए, फिर हमारा मन किया कि हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब सपोज ये हमारे पास एक लाइन है जिसका हमको प्रोग्रामिंग करना है, तो हम क्या क्या कमांड देंगे आप ध्यान दो। सपोज करिए कि आपका टूल मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, आपका टूल यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे, रैपिड रैपिड ट्रांसवर्स का कोड दोगे, आप यही चाहोगे आपका टूल यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, मान लीजिए आपको मिलिंग करनी है, ये सीट है ऊपर से आना, तो आपको डेंट ना मारे ये टूल आपको, तो थोड़ा सा ये चीजें ऊपर रखनी है, और यहाँ पे इसको टच ना करे, थोड़ा सा स्पेस बना के रखना है, ये जितना क्वाड्रेंट होगा उससे थोड़ा सा हम टच ना करें, उस हिसाब से देंगे। तो सिंपल हम पहले ये समझते हैं कि ये कोड क्या होगा, ये तो ट्रांसवर्स होगा, मतलब तेजी से आगे जाना है, तो G00 रैपिड ट्रांसवर्स, यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है, ये हम दे देंगे इस तरीके से, क्वाड्रेंट निकाल लोगे आप, ये एक्स वाली हो गई, ये वाई वाली हो गई, तो आप ये निकाल लोगे, तो यहाँ पे रैपिड ट्रांसवर्स हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे कौन सा कोड दोगे आप, यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन है, तो ये G01 दे दोगे, ये वाला कोड लीनियर इंटरपोलेशन का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा, फीड रेट देना पड़ेगा, कितना कटिंग करना है। अब रेफरेंस पॉइंट डेफिनेटली होता है, कहीं कहीं पे आपको दिया रहता है कि जो आपकी सीट है उसके सरफेस पे रेफरेंस पॉइंट ले लो, कहीं पे मेंशन किया रहेगा, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया तो आप कहीं भी ले सकते हो प्रोग्रामिंग में, अगर आपको मेंशन किया तो आपको उसके हिसाब से डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। मान लीजिए ऊपर का है कि 25 सेंटीमीटर 25 mm ऊपर लेना है सीट से, जेड का रेफरेंस पॉइंट, तो फिर आपको कटिंग करनी है तो यहाँ से मेजर करोगे आप, तो नीचे को दोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट नेवरदलेस जब हम बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आएगा। अभी आपका जो क्वेश्चन होगा केवल इसी के बेस पे, जैसे मैं ये बता रहा हूँ उसी तरीके से कमांड्स आपसे पूछे जाएंगे आगे आगे क्वेश्चन जब देखोगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का लिनियर इंटरपोलेशन है, तो G01 ये क्या, देखो हम इधर से आगे जा रहे हैं ना, तो अब ये क्लॉकवाइज मूव करना है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देना है हमको, तो एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज की कमांड होगी, इसमें आगे चीजें देना पड़ेगा आपको। एक चीज यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर कमांड है तो हमको कुछ रेडियस भी देनी पड़ी हमारी सर्किल को। अब रेडियस देने के लिए दो चीजें होती हैं, अगर इसका प्लेन मान लीजिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई में हम आई और जे दे दें रेडियस के लिए, या फिर आर की वैल्यू सीधा रख दें, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे देता है आपको, आर की वैल्यू आप रख देते हो, हमारी मशीन समझ जाती है कि ये एक सर्कुलर इंटरपोलेशन है, क्योंकि आपने सर्कुलर इंटरपोलेशन का कोड दिया है, किस रेडियस में कट करना है वो कट कर देती है। फिर यहाँ पे लीनियर, तो यहाँ पे क्या देंगे, G01 देंगे। अब ये देखो ये कैसा है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या देंगे, G02 देंगे। फिर ये लीनियर है तो G01 देंगे, और ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम भर देंगे। देखो इस फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है, जो हमारे सर्कुलर इंटरपोलेशन है उसमें बस चेंज क्या हो जाएगा, आपका आर चेंज हो जाएगा, या तो आर लिखो, या तो आपको आर नहीं दिया है तो आई जे का क्वाड्रेंट लिखना है। अभी मैं बता देता हूँ आई जे क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे भी या तो यार लिखो आप काउंटर क्लॉकवाइज में, या फिर आई जे का क्वाड्रेंट लिखो, आई जे का क्वाड्रेंट भी हो सकता है, दूसरे क्वाड्रेंट भी हो सकते हैं, आई के भी हो सकता है, जे के भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कौन से प्लेन में कटिंग हो रही है उस हिसाब से, बट मोस्ट प्रॉबली आपका जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन वहां पे होगा, तो आई और जे ही लेना होता है। अब आई और जे कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारी एक एक्सिस है एक्स वाई, ठीक है, तो ये एक्स वाई एक्सिस है, हम क्या कहते हैं
जो वाई एक्सिस होती है वो यूनिट वेक्टर होती है जे की, और यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर है हमारा, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं हमारा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा कुछ भी आप समझ लो, ये हमारा कुछ इस तरीके से एंडिंग पॉइंट है, और इस तरीके से हमने ये क्या किया, कर्व बना लिया। तो ये हमारी कर्व हो गई, डेफिनेटली इसकी कुछ कोऑर्डिनेट हो गए ऐसे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट होंगे इसके कुछ, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट होंगे। और इनको हम दोनों को ऐसे मर्ज कर दें तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो गया ये। अब आपको ये ध्यान देना है कि बाकी सब देखो आप, इसमें तो चलो ये कैसा है, ये देखो इस तरीके से घड़ी के साइड में घूम रहा है, तो ये मतलब क्लॉकवाइज है, तो हम चलो G02 वाला फॉलो कर रहे हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। अब इस वाले को हम आई और जे को फीड कर रहे हैं। अब देखो रेडियस वाले को फिलअप करना है, तो सिंपली इसकी जितनी भी रेडियस है, मान लो इसकी रेडियस 30 है, ठीक है, तो 30 रेडियस है, तो यहाँ पे R30 हम लिख देंगे, फिर 200 लिख देंगे, यहाँ पे एक्स वाई की कोऑर्डिनेट लिख देंगे, जेड की कोऑर्डिनेट एज इट इज 0, ठीक है, जो भी रेफरेंस पॉइंट रहेगा उस हिसाब से, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट 0 ही रहता है, आपको जेड देना नहीं पड़ता, इसमें एक्स वाई ही देना पड़ता है। तो ये मान लो 30 दे दी, ये वाला कोड हमारा पूरा हो गया। अब हमको ये वाला देना है, आई और जे देना है, ठीक है। तो आई और जे कैसे देंगे हम, यहाँ पे के नहीं रहेगा क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे के हट जाएगा, तो एक्स वाई प्लेन में हमको आई और जे देना है। तो यहाँ पे जब हम आई जे देते हैं, तो आई जे इज ऑलवेज अ इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना है आपको, आई जे कैसे होते हैं, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट होते हैं। और आई जे फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे इनिशियल पॉइंट को, जहां से हमारी आर्क स्टार्ट हो रही है, उसको हम ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं, वो हमारी ओरिजिन है, और जो हमारा सेंटर है वो हमारे ओरिजिन के लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में हम आई जे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से इस एक्शन में हम जा रहे हैं, तो आई इधर ये वाला पॉइंट है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट ये वाले आई है, तो ये कितना दिया है, रेडियस जो है वही होगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। और देखो हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये आई 30 पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम जे की बात करें तो जे क्या होगा, यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन में कोई चेंज है इसके, नहीं, सेंटर यहाँ पे है और ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, तो जे में कोई डायरेक्शन कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जे 0 होगा। अब हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट हो कि जे 0 कैसे हो गया, तो आप थोड़ा ये डायग्राम से समझ लो, आप ये डायग्राम आपको समझा देगा कि जे 0 कैसे हो गया। सपोज कर लेते हैं ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, कुछ भी ले लो आप, मान लो हम यहाँ से यहाँ गए हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है इस आर्क का, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो मैंने क्या कहा कि आई जे की वैल्यू लेने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको ओरिजिन मान लेंगे, और वहां से हम सेंटर से निकालेंगे कि आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमको अगर आई की वैल्यू लिखनी है, तो यहां से यहाँ की वैल्यू लिखेंगे, तो ये वाली हो जाएगी आई की वैल्यू, ये पूरी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा हमारा, जितनी भी वैल्यू है, सपोज इसकी वैल्यू 50 दिया हुआ है, ठीक है, तो -50 आपको लेना है। क्यों लेना है, देखो ये है हमारा, ये सेंटर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा I माइनस 50। एक चीज समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा पॉइंट है इनिशियल, ये हमारा पॉइंट है सेंटर, या इसको हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। अब हमको लिखना है जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू हम देखेंगे कि हमारे सेंटर से हमारा इनिशियल पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट में कितना ऊपर है। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y j हो जाएगी, या फिर y कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस होगा तो ये j हो जाएगी। ये क्या ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेंटर से नीचे आता तो नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, सपोज ये हमने 10 ले लिया, तो यहाँ पे आएगा आपका j 10। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में कोई चीज है नहीं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है, दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो j डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या थी, 0 थी, बट यहाँ पे j डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो j की पॉइंट कितना हो गया, 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ij को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे रेडियस भी इतना आसान नहीं होती, रेडियस भी देने के तरीके होते हैं, रेडियस में भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, कभी आपको ऑप्शन जो दिया रहता है वो कन्फ्यूज करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव में दे दिया होता है, तो रेडियस को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो भी थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि आपको ये दे देता है
ये हमारा एक कोई पॉइंट है स्टार्टिंग का, ये हमारा कोई पॉइंट है एंडिंग का, ठीक है। आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, आपको एक आर्क बनाना है सपोज कर लो, तो ये आर्क बन गया हमारा सपोज कर लो, किधर से भी जाके बनाना है कोई मैटर नहीं, मान लीजिए हम काउंट क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये आर्क हो गया। अगर आपको सेंटर डिफाइंड नहीं किया है, ठीक है, तो देखो ये भी आप जा सकते हो, एक भी आप एक रास्ता है, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही जाना है ना, कवर करना है, आप इस रास्ते से भी तो जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से गए तो आपका ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, इस रास्ते से गए तो आपका ये सर्कल बनेगा, ठीक है, ये सर्कल बनेगा, ये दो सर्कल बन सकते हैं इस आर्क को बनाने में। तो अब देखो ये जो होगा इसका सेंटर कैसे आ जाएगा, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एंगल सपोज कर लेते हैं हम थीटा है, और ये जो पाथ आपने फॉलो किया है ये वाला जो पाथ, देखो दोनों में हम क्लॉकवाइज ही गए हैं, ठीक है, दोनों में हम क्लॉकवाइज गए हैं, इसी तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज का भी ले सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये वाला यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा इसका, इस वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का ये सेंटर हो जाएगा, और वहां पे ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो अगर कहीं पे, कहीं पे जो हमारा एंगल है आर थीटा, सॉरी जो हमारा एंगल है थीटा, अगर ये ग्रेटर देन 180 है, कितना है, ग्रेटर देन 180 है, तो यहाँ पे हम आर नेगेटिव लेंगे, मतलब अगर आपको ये पाथ फॉलो करना है आर की वैल्यू आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। मान लो ये रेडियस है 50, ठीक है, इसकी भी रेडियस 50 होगी क्योंकि सेम आर्क हमने ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि रेडियस सेम क्यों होगी, तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ये 50 हो गया हमारा। अगर थीटा, थीटा लेस देन आर इक्वल टू 180 है, तो R की वैल्यू आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 180 है, तो अगर ये R की ये से फॉलो करते हैं और ये सेंटर होता है तो हम क्या लेंगे, R की वैल्यू पॉजिटिव। अगर हम ये R फॉलो करते हैं ये सेंटर होगा तो R की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से भी आप इसको कुछ समझ सकते हो कि मान लीजिए आप कहोगे कि ये सेम कैसे है, सपोज कर लीजिए दो सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे समझ लेते हैं, सपोज कर लीजिए, सॉरी ये हमने दो सर्कल ड्रॉ कर दिया सेम रेडियस का, ये दो सर्कल हैं दोनों की रेडियस सेम है सपोज कर लो। अब देखो समझ में आ गया आपके, देखो ठीक है, तो हम इसी आर्क की बात कर रहे थे, इसी आर्क की बात कर रहे थे, इस आर्क के लिए एक ए बी सेंटर हो सकता है, एक ए बी, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला, ये वाली भी लाइन फॉलो कर सकते हैं, अगर हमारी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में ये भी आर्क बन सकता है, ये भी एक आर्क बन सकता है, तो कौन सा आर्क बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपने रेडियस माइनस आर दिए हैं या फिर पॉजिटिव आर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी रेडियस को हम डिफाइंड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे जो हमारा एंगल जो है, जो सेंटर पे बन रहा है, वो अगर 80 से ज्यादा है तो वहां पे आप क्या करोगे, आर को नेगेटिव लोगे, बाकी जगह पे आर को आप पॉजिटिव लोगे। तो ये हो गया पूरा एक सर्कुलर इंटरपोलेशन का फंडा, कि सर्कुलर इंटरपोलेशन में हम रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं और वैल्यू आई जे की कैसे डिफाइन करते हैं। चलो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अभी जो चीजें हमने पढ़ी है इस एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। यहाँ पे एक सर्कल, एक मतलब आर्क है, एक आर्क ये है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हम, हमारा टूल कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ फॉलो करता है, यहाँ से यहाँ फॉलो करता है। अगर आप पार्ट प्रोग्रामिंग पूरा लिखोगे तो आपको कुछ स्टार्टिंग के ब्लॉक लिखने पड़ेंगे, जैसे आपका टूल कहाँ है तो टूल को यहाँ पे लाना पड़ेगा, कूलेंट आपको ऑन करना पड़ेगा, आपकी जो डायमेंशंस होंगी वो इंचेज में देना है, एमएम में देना है, वो सारा फर्स्ट ब्लॉक में आप लिखते हो। बट जो आपको एग्जाम में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे कमांड आपकी जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, बेसिकली यहाँ से होगी। तो हम यहीं से देखते हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा तो वहां पे पूरा प्रोग्राम हम लिखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री का प्रोग्राम लिखेंगे, बट यहाँ पे केवल अभी हम ये समझ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज ये आर्क आ गया, आपसे पूछता है, ऑप्शन दे देता है चार और बोलता है इसमें से कौन सा सही है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम प्रोग्रामिंग लिखना चालू करते हैं हमारे इस वाले का, ठीक है, हमारे इस वाले ब्लॉक, इस वाले आर्क की, ए टू बी वाले की। तो सपोज हम ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। आपके प्रोग्राम में हो सकता है दिया रहे ना दिया रहे, हम जो कोऑर्डिनेट लेंगे G90 ले लेंगे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट लेंगे, हो सकता है ये वाला टर्म्स आपके ऑप्शन में ना दिया रहे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। अब ये आगे हमारा मेन प्रोग्रामिंग अब चालू हो रही है, देखो ये जो आर्क है क्लॉकवाइज है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज है, या उसी को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है बट काउंटर क्लॉकवाइज का। तो कौन सा कोड आएगा? G03, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो N10G03 ये हमने लिख दिया। अब हमको किसकी वैल्यू देनी है? X और Y की। तो X दे देते हैं। X की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुंच गए हम, तो यहाँ पे वैल्यू है हमारी X की X40, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट लिया है। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा 0 0 है। तो जो भी कोऑर्डिनेट ये मेजर करेगा, ठीक है, वो सारा कोऑर्डिनेट ये 0 0 पॉइंट से मेजर करेगा। अगर ये इंक्रीमेंटल होता तो हमारा टूल यहाँ पे है, वो यहाँ से मेजर करता, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल में एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से मेजर करते, बट अभी हम एब्सोल्यूट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो G03 हो जाएगा ये। G03 हो गया। एक्स की वैल्यू देना हमको, एक्स की वैल्यू कितना है? 140 हो गई, ध्यान से समझना आप। अब हमको वाई की वैल्यू देना है, तो वाई की वैल्यू भी हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट की वैल्यू। तो ये देख रहे हो आप, ये पॉइंट आ गया और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से मेजर करेगा। तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी 100। तो हमारे पास वाई की वैल्यू हो गई, हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमको आर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आर देने के दो तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंगल देखो सेंटर पे, तो 180 से कम है, तो आर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सीधा आप आर दे दो, तो आर 60 दे सकते हो आप। ये एक प्रोग्राम हो गया आपका। सपोज आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें आर है ही नहीं, उसमें आई और जे में ऑप्शन दिया है, तब आपका क्या करोगे? आपको आई और जे में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें तो ऐसे एज इट इज रिपीट होंगी। तो ये हो गया हमारा N10, G90, G03, क्योंकि काउंटर वाइज इंटरपोलेशन है ये। 140 एक्स एज इट इज रहेगा, 140 वाई 100 एज इट इज रहेगा। अब हमको रेडियस ना देके हमको आई और जे की वैल्यू देनी है। आई जे की वैल्यू मैंने आपको कैसे फाइंड आउट करने के लिए कहा? सपोज यहाँ पे आई लिख लेते हैं। आई और जे की वैल्यू कैसे कहा मैंने? कहा कि जहां से आर्क हमारी स्टार्ट होती है उसको हम ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? वो ओरिजिन। तो ये हमारी ओरिजिन हो गई। जो हमारा सेंटर है उसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो भी हमको यहाँ से 0 0 से मेजर करना है, ठीक है। आई जे मेजर करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है। अब ये तरीका हमने क्यों हुआ, ये एक बड़ी डिबेट है। बस आप यहाँ पे समझ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम ओरिजिन लेते हैं और हमारे सेंटर से हम इसको मेजर करते हैं। तो हमारी ये ओरिजिन ये हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। आई की वैल्यू निगेटिव होगी। कितना होगी देखो आप, कितना होगी? 200 माइनस 140, तो कितना होगी वैल्यू? -60। -60 ये हुई आई की वैल्यू। अब जे की वैल्यू भी लिख लेते हैं। जे कितना? ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर जे में कोई डिफरेंस है? देखो नहीं है। ये वाली जे 40 पे है, 40 पे हमारा सेंटर भी है और 40 पे हमारा इनिशियल पॉइंट भी है। बेंड होता तो हम कुछ लिख पाई पाते। अगर मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ से होता तो हम जे की वैल्यू हमको कुछ मिलती यहाँ पे जितना रहती 40 माइनस समथिंग। बट ये सेम लाइन पे है जे में, देखो सेम लाइन पे ये, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो जे की वैल्यू कुछ आएगी नहीं यहाँ पे, आप एंड ऑफ प्रोग्राम। बट ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं दिया रहता है, आपके एग्जाम में बस इतना ही ऑप्शन दिया रहेगा। तो चाहे ये ऑप्शन दिया रहे चाहे ये ऑप्शन, आपको पता चल गया इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे। ये हमने लिखा है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इसकी। अब हम बी से सी जाने वाले हैं। तो सपोज ये N10 हो गया, अब हम N20 ले लेते हैं। 20 आगे जो भी वैल्यू हम कब से एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट ही ले लेंगे। एक बार हमने इसको दे दिया है तो दोबारा प्रोग्राम में देने की जरूरत नहीं है, यूज करता रहेगा। बट नेवरदलेस अगर आप दोबारा भी यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो यूज किया रहेगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन है, वो प्रोग्रामिंग नहीं लिख के आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक वाइज आपको प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा है वहां पे, तो ये वाला ब्लॉक भी N10 से शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे सिक्वेंसली हम प्रोग्रामिंग नहीं लिख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको, सेकेंड ऑप्शन दिया है, ये दोनों सही होंगे वैसे तो अभी। तो N10 अब हम इसको ले लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमको शुरू करना है, ये वैल्यू एज इट इज देना है हमको, ठीक है। अब ये ध्यान देना आपको, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये देखो आप क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज है, तो G02 हमारा प्रॉपर्टी फंक्शन हो जाएगा। तो G02 हो गया। एक्स की वैल्यू कहाँ से भैया? देखो एक्स की वैल्यू कहाँ पे है? ये है एक्स की वैल्यू। तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू, ये हमारा पॉइंट है फाइनल पॉइंट। तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट तो टूल को पता है, यहाँ पे तो है वो ऑलरेडी, यहाँ पे है और ये एक्स की वैल्यू है।
तो एक्स की वैल्यू हम एब्सोल्यूट मेजर कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट कहां से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करके ये लिखा हुआ है 120। अगर इंक्रीमेंटल होता तो हम यहां से मेजर करते तो ये वाली डिस्टेंस हो जाती, बट अभी हमने एब्सोल्यूट यहां पे दिया हुआ है G90, तो G92 जब एब्सोल्यूट है तो हम ओरिजिन से मेजर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से, एक ही रेफरेंस पॉइंट होगा, इंक्रीमेंटल में वो चेंज होता रहता है। तो यहां पे आ गए हम, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी एक्स की, 120 हो जाएगी। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एक दो बार आप कोड याद करके खुद से प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हमको वाई की वैल्यू देना है तो ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। देखो ये वाला हमारा पॉइंट है, वाई की वैल्यू 60 हो गई। अब हमको देना है आई और जे की वैल्यू, यही समझना है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। जब तक मैं ये कर रहा हूं तब तक आप सोच लो आई की वैल्यू क्या लिखोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप आई की वैल्यू गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो। क्या मैंने कहा कि आई की वैल्यू में जहां से हमारा टूल स्टार्ट हुआ है, मतलब जहां से हमारी आर्क स्टार्ट हुई है, ये हमारा ओरिजिन होगा, और जो हमारा सेंटर होगा इस आर्क का, तो इस आर्क का सेंटर क्या है, ये है, ये रेडियस भी आपको दिया हुआ है, तो ये सेंटर है हमारा, तो ये सेंटर से हम आई और जे की वैल्यू मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर, दोनों के बीच में एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है देखो 90 ये है, 140 ये है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, 50 है, बट हम मेजर कहां से कर रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव लेंगे, तो -50। जे की वैल्यू वाई डायरेक्शन में कोई डिफरेंस है क्या, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में वाई डायरेक्शन में कोई डिफरेंस है, नहीं, वाई डायरेक्शन में ये सेम पॉइंट पे है, तो वंस अगेन जे यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे जो भी एंड ऑफ ब्लॉक व्हाट एवर दैट, बट बेसिकली ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा आपको, तो ये ऑप्शन हो गया आई और जे में इस सर्कल के लिए। अगर इसी सर्कल को आपको रेडियस के टर्म में लिखना है तो G90, G02, X120, Y60, केवल आर आपको देना है तो R50, ठीक है, तो R50 दे देना है, ये एंगल है आपका वंस अगेन 180 से कम है तो R50 हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा अगर आपको R देना है, ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा अगर आपको I और J देना है। तो इस तरीके से इंटरपोलेशन को आप डिफाइन कर पाते हो, सर्कुलर इंटरपोलेशन, और सर्कुलर इंटरपोलेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन के थ्रू, बट नेवरदलेस आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका गेट में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2016 में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। मैच करना है आपको, कोड याद रहेगा तभी तो मैच करोगे, तो G01 क्या होता है, लीनियर इंटरपोलेशन, तो P वाला हमारा आ जाएगा यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन। G03 क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। M03 किसका कोड है, स्पेंडल रोटेशन का क्लॉकवाइज, स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, तो ये वाला इसके पास हो जाएगा, स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। और MO5 ये क्या है, स्पेंडल आपको रोकना है तो इसका यूज करते हो आप, तो ये वाला कोड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, मैच कर लेना आप जो भी आपको ऑप्शन आता हो। तो P का हमारा क्या है, P का 4 है, P का 4 दो जगह है। Q का हमारा क्या है, Q का हमारे पास है 3, तो Q का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे Q का 2 है, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो गया। ओके, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है गेट 2015 में, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वाड्रेट बताना है, आपको पता भी चल जाएगा कि इंक्रीमेंटल क्वाड्रेट हम कैसे देते हैं, इंक्रीमेंटल के बारे में क्वेश्चन है। अ ड्रिल इज पोजिशन एट पॉइंट P, मान लीजिए कोई ड्रिल टूल है वो यहाँ पे पोजिशन है कुछ इस तरीके से ऊपर से, ठीक है, तो ये पॉइंट P पे पोजिशन है। इट हैज प्रोसीड टू पॉइंट Q, Q पे उसको जाना है। द क्वाड्रेंट ऑफ Q इज इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्वाड्रेंट आपको देनी है, तो आपको CNC में क्या क्वाड्रेंट आप दोगे ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये आपका ओरिजिन दिख रहा होगा यहाँ पे, XY ड्रॉ किए हैं तो ये 0 0 ओरिजिन है, ठीक है, बट ये इंक्रीमेंटल में पूछ रहे हैं तो हमको ओरिजिन से कुछ लेना देना है नहीं, हमको किससे लेना देना है कि हमारा टूल इस टाइम पे कहाँ पे है और उसको जाना कहाँ पे, ये दोनों पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही सिंपल। तो हमारा ये जो पॉइंट है इस समय इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ये 5 है एक्स में, सॉरी वाई में 5 है, एक्स में 3 है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है 3 एंड 5, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास, हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितना है देखो दिया हुआ है 4, ये ध्यान देना आप, यहाँ से ये पूरा 7 है, 3 प्लस 4, ये अलग से सेपरेटली मेंशन है 4,
तो यहां से ये इंक्रीमेंटल डिस्टेंस हो गई। अगर एब्सोल्यूट में लिखते हैं, देखो एब्सोल्यूट में लिखते तो आप ओरिजिन से मेजर करते हो, तो एब्सोल्यूट में ये क्या हो जाता है सेवन, एब्सोल्यूट में ये क्या हो जाता है ट्वेल्व। तो एब्सोल्यूट में लिखते हैं तो सेवन और ट्वेल्व हो जाता है, बट एब्सोल्यूट में आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इंक्रीमेंटल। देखो एब्सोल्यूट का भी ऑप्शन दिया है, अगर आपने गलती किया तो गलत आंसर करके आ जाओगे, बट आपसे इंक्रीमेंटल पूछा है। तो इंक्रीमेंटल में यही ओरिजिन हो जाता है जो हमारा टूल का फाइनल पोजिशन है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस एक्स में कितना है, एक्स में डिस्टेंस है फोर, y में कितना है, y में ये पूरा 12 है q की पोजीशन, बट हमारा टूल 5 पे ऑलरेडी है, तो बचा कितना 7, तो 4 एंड 7, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट हम देंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या देंगे हम, कोऑर्डिनेट हम दे देंगे x 4 y 7। तो ये हो गई हमारी इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा d। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी गेट एग्जाम 2015 में पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ इंटरपोलेशन इन सीएनसी मशीन कंट्रोल इज टू। अब देखो यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कंट्रोल स्पिंडल स्पीड। भाई इंटरपोलेशन है ना, इंटरपोलेशन में क्या होगा फीड रेट, ना फीड रेट देते हो ना आप, एक्सिस किस डायरेक्शन में मूव करेगी इतना फीड रेट होगा। तो बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन प्रोबेबली सही है, और बाकी प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली सही है, इस ऑप्शन में और कुछ दिया नहीं है जहां पे क्या होगा इंटरपोलेशन का फंक्शन सा है, कंट्रोल टूल रैपिड अप्रोच, इससे इंटरपोलेशन से लेना देना नहीं है, मिसलेनियस फंक्शन से लेना देना नहीं है, टूल चेंज से लेना देना नहीं है। अगर वहां पे इंटरपोलेशन हो रहा है तो इंटरपोलेशन के साथ मैंने कहा था आपको क्या देना है, फीड रेट देना है, क्योंकि इंटरपोलेशन हो रहा है, कटिंग हो रही है हमारे उसके, इन सारे जो बाकी दिए हैं उन बाकी में कटिंग से कुछ लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन द एक्सिस ऑफ स्पैंडल ड्राइव इन सीएनसी। ये मैंने आपको बहुत बार बताया था कि कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो बेसिकली हम जो मोटर यूज करते हैं वो डीसी सर्वो मोटर यूज करते हैं, पर आपको मैंने ये भी बताया था कि वहां पे डीसी सर्वो मोटर के लिए हम क्या लगाए होते हैं, अलग से एम्पलीफायर लगाए होते हैं, क्योंकि एसी में कन्वर्ट होता है, वो सिग्नल वीक हो जाता है, उसको एम्पलीफाई करके हम आगे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, सीएनसी काउंटरिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको एक चीज बताया था जब हम इससे पढ़ने पढ़ रहे थे कि कटिंग कितने टाइप से हम कर सकते हैं। तो कटिंग के लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो कंटिन्यूअस कटिंग हो, एक इंक्रीमेंटल कटिंग हो, कि एक जगह हमने कट किया दूसरी जगह चले गए, जैसे ड्रिल के केस में हमने यहाँ पे ड्रिल किया, फिर यहाँ पे किया, बीच में कोई कटिंग नहीं, फिर यहाँ पे टूल को यहाँ से अप करते हैं, फिर यहाँ आके पोजिशन करके फिर ड्रिल करते हैं, फिर टूल को अप करते हैं, फिर यहाँ जाके पोजिशन करके ड्रिल करते हैं। बट अगर आपको मान लीजिए लाइनिंग बनानी है इस तरीके से या कोई सर्कल बनाना है तो आप कंटिन्यूअस कटिंग करोगे। तो ये जो काउंटरिंग होता है ना, दिस इज द पाथ पोजिशनिंग सिस्टम, और ये कंटिन्यूअसली सिंक्रोनाइज करता रहता है हमारे एक्सिस के मोशन को टू जनरेट द प्री डिफाइंड शेप। तो प्री डिफाइंड शेप अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो लाइन बनाना है आपको, कहीं पे सर्कल बनाना है, तो कंटिन्यूअस कटिंग आप करोगे, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा कि कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग होती है अगर हम काउंटरिंग की बात करें तो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मशीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स शेप ऑन द सीएनसी मशीन रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंपल है, मशीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स शेप, जितना कॉम्प्लेक्स सीट होगी, जितना कॉम्प्लेक्स शेप होगी, हमको उतना ही ज्यादा एक्सिस को मॉनिटर करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो देखो, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो टू डायमेंशन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स है, अगर टू डायमेंशन नहीं होगा तो वन डायमेंशन, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, थ्री डायमेंशन है क्या, हम थ्री डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड, ये जेड होगा सॉरी, एक्स वाई जेड, हम तीन एक्सिस को मॉनिटर कर रहे हैं एक साथ, यहाँ पे हम दो एक्सिस को मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हमको इंडिविजुअल एक्सिस को मॉनिटर करना है। आप कहोगे आप इंडिविजुअल एक्सिस किस में मॉनिटर करते हैं, सपोज हम मशीनिंग ड्रिलिंग का कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल जेड एक्सिस को ही तो आप कमांड देनी है कि जेड में कितना नीचे जाना है, नहीं, क्योंकि अब टूल को यहाँ से यहाँ लाना तो डिफरेंट थिंग, वो मशीनिंग का पार्ट तो है नहीं, मशीनिंग तो हम ड्रिलिंग को कहेंगे, तो ड्रिलिंग करना है तो केवल हमको जेड को कंट्रोल करना है कितना अप डाउन होना है। अगर मान लो यहीं पे आपको इंटरपोलेशन करना है, सपोज लीनियर इंटरपोलेशन, तो मशीन को यहाँ पे आपको एक्स वाई दो कमांड देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक कमांड को मॉनिटर करना है, यहाँ पे दो कमांड को मॉनिटर करना है, कहीं पे आपको तीन कमांड मॉनिटर करनी पड़ सकती है। तो कॉम्प्लेक्स शेप में जितना कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे तीन चार कितना कमांड आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे ए इज द करेक्ट, ठीक है, सिंपल जनरल सेंस का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक पार्ट प्रोग्रामिंग मेंशन किया गया है, और यहाँ से आपसे पूछा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सीएनसी पार्ट प्रोग्राम, एक ब्लॉक दिया गया है यहाँ पे, एक ब्लॉक का प्रोग्राम है, और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा वो फॉलो करेगा। तो आप देखो, ये तो ब्लॉक नंबर है या सीरियल नंबर है,
G02 आपको देखते ही समझ जाना है, G02 मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। यहाँ पे x की वैल्यू दिया गया, y की वैल्यू और r की वैल्यू दिया गया। रेडियस मतलब यहाँ पे रेडियस ये इंटरपोलेट कर, मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन में r 5 mm की रेडियस होगी उसकी, और ये सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा क्लॉकवाइज होगा। तो आप पढ़ लो आप सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, तो केवल सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, लीनियर इंटरपोलेशन रैपिड फिट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। तो किसको देख के आपने बताया, इसको देख के बताया कि आपको कोड पता होगा तभी आप बता पाओगे। वंस अगेन सेम प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, द सीएनसी प्रोग्राम ब्लॉक। यहाँ पे भी आपको एक ब्लॉक दिया गया है और यहाँ पे दो चीजों के बारे में आपसे पूछा गया है, G02 G91 इज रिफर्ड। तो यहाँ पे भी आपको अगर कोड का नॉलेज होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, अगर आपको कोड का नॉलेज नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे G02 की बात किया गया, तो G02 अभी हमने डिस्कस किया क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। और G91 क्या है, G91 ये क्या होते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, G90 को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके पहले प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे थे G90 मैंने आपको कोड बताया था, तो ये होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता है इंक्रीमेंटल। तो हमको इन दोनों को बताना है, मतलब काउंट सॉरी सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंक्रीमेंटल डायमेंशन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सर्कुलर आर्क ऑन द पार्ट प्रोफाइल इज बीइंग मशीन्ड इन द वर्टिकल सीएनसी मिलिंग मशीन। सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग द मैट्रिक्स यूनिट एब्सोल्यूट डायमेंशन इज लिस्टेड बिलो। यहाँ पे मेंशन किया गया आपसे, तो आपसे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल या फिर आर्क जो भी है, तो आर्क का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देखने की और समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या दिया गया है, पहले में एक ब्लॉक लिखा गया है, एक ब्लॉक में ये आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये मतलब लीनियर इंटरपोलेशन है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो कुछ हमारा टूल क्या होगा, लीनियर इंटरपोलेशन करते हुए आ गया है। जेड क्या है यहाँ पे, जेड मतलब फीट दिया गया है ना, कि कितना वो डिप्ट अप कट होगी उसकी, तो वो जेड दे दिया गया आपको। एक्स डायरेक्शन की कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन की कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट दी गई, लीनियर इंटरपोलेशन हो गया। तो पहला तो क्या हो गया, लीनियर इंटरपोलेशन, उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं, हमको तो सेंटर बताना, बट आपको मैं बस एक बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। ये नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, नेक्स्ट लाइन में ये देखो आप G02 ये क्या है, ये है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पे आपको रेडियस भी दिया गया है 20। तो ये इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आर्क बना रहे हो। तो ये आपने आर्क बना लिया, तो ये आर्क बनाना है आपको, तो कैसे बनाना है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ लेते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स, ये हमारा कोऑर्डिनेट है वाई, ठीक है। अब हमारा इंटरपोलेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, सेकेंड ब्लॉक में स्टार्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट ब्लॉक में हमारे जो टूल की पोजीशन थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे दिया गया है, एक्स में 30 थी, वाई में 55 थी। तो एक्स में 30 हमें जूम कर लेते हैं, यहाँ पे है, वाई में 55 हमें जूम कर लेते हैं, यहाँ पे है। तो हमारा ये टूल था कुछ, ये इसकी पोजिशन थी जहाँ से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटरपोलेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कितना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है फाइनल पोजीशन कितना हुआ है, x में 50 और y में 35। तो x में 50 ये कितना था, लिख लेते हैं एक बार, ये 30 था और ये 55 था, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा कोऑर्डिनेट है दिया गया आपको, x में 50 चला गया है, x में 30 था तो यहाँ पे 50 आ जाते हैं, ए x में 50 चला गया, y में कहाँ पे चला गया, y में 35, तो ये 55, ये हो गया हमारा 35। तो ये हमारी कुछ कोऑर्डिनेट आ गई, जो हमारा फाइनल जो टूल का डिजिग्नेशन होगा, जो फाइनल टूल हमारा रेस्ट करेगा वो यहाँ पे करेगा। अब कह रहे हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमारा टूल कैसे मूव कर रहा है, हमारा टूल मूव कर रहा है इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से हम मूव करा देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर्कुलर इंटरपोलेशन, बहुत ही सिंपल, ये हो गया हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ की कोऑर्डिनेट हमको पता है, यहाँ की कोऑर्डिनेट है 30 55, यहाँ की कोऑर्डिनेट हमको पता है, यहाँ की कोऑर्डिनेट है 50 एंड 35। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये दोनों के बीच की, आपसे सेंटर ही तो पूछा है नहीं, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया, जहाँ पे ये पॉइंट दोनों कट करेंगे हमारे आर्क वाले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जहाँ पे कट करेंगे, तो ये सेंटर हो गया। इस सेंटर की कोऑर्डिनेट लिखना है, लिख दो आप कितना है, ये 30 है, ये
आपका 35 है, रेडियस आप देख लो अगर मैच करवाना चाहते हो क्रॉस चेक, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा 30 35। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि आपकी रेडियस सही बनी है, सही बनी है, बिल्कुल सही बनी है, रेडियस कितना है 20 दिया हुआ है, देख लो 20 होगी ना, ये 50, ये 20, ये 55, ये 35, तो ये भी 20, तो ये हो गई आपकी रेडियस और ये हो गया आपका सेंटर का पॉइंट। तो सेंटर जो आपका होगा यहाँ पे 30 35, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 गेट एग्जाम 2009 में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वंस अगेन अगर आपको कोड याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सा सही होगा। तो पहला है M05, M05 मतलब स्पिंडल को स्टॉप करना है, स्पिंडल को स्टॉप करना है, तो P का ऑप्शन आ गया आपका 3, P3। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, तो Q लीनियर इंटरपोलेशन के साथ, तो Q का आ गया आपका 4, तो यहाँ पे आ जाएगा Q का 4। नेक्स्ट जो है G04 ड्वेल मतलब पॉज, पॉज मतलब ड्वेल, ड्वेल मतलब पॉज, G04 मतलब R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और ये तो हो गया आपका S90 मतलब आपका क्वाड्रेंट कैसा है, एब्सोल्यूट है ना कि इंक्रीमेंटल है। आपको पता है दो टाइप्स के क्वाड्रेंट सिस्टम हम दे सकते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, तो यहाँ पे S की वैल्यू आ जाएगी 1। तो P3Q4 S2S1, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आएगा वो आएगा C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी सारे मेंशन है, मिल जाएंगे, आप एक बार ट्राई करना। और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे जिसमें थोड़े से ऑब्जेक्टिव भी होंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री भी होगी। एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री के लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर थोड़ा हो जाएगा बड़ा, ऑलरेडी हो चुका है ये थोड़ा बड़ा, तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री के लिए प्रोग्राम लिख के मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना पड़े, बट तो आप तो तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, और आपको इम्पोर्टेंट यही है कि कोड आपको याद रखने हैं, थोड़े से आपको जो सर्कुलर इंटरपोलेशन या लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करना है, रेडियस कैसे लेना है, IJ की वैल्यू कैसे लेना है, वो सारे चीजें हैं जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मैसेज करिए, मैं रिप्लाई आपको दूंगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, उसमें थोड़ा डिटेल में प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।